सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए एआरओ जोधपुर से, जो कि जीडी के पीएफटी पीएमटी कंप्लीट करके कैंडिडेट बाहर है, इनसे वार्तालाप करेंगे। पहले दिन था, फर्स्ट स्टार्ट हुए थे भर्ती, उस दिन था कलर कोड टेक्निकल का। तो अब बात करते हैं, जो जीडी के कैंडिडेट की सबसे ज्यादा मांग रहती है कि जीडी के कैंडिडेट के क्या प्रोसेस रहा। सबसे बड़ा सवाल रहता है कि एंट्री टाइम में हाइट नापी जाती है नहीं जाती है, प्लस जब दौड़ क्वालिफाई होने के बाद में हाइट वेट चेस्ट मतलब पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर कुछ कैंडिडेट जीडी के अंदर क्या होता है, हाइट में भी बाहर होते हैं, कुछ चेस्ट में भी होते हैं, कुछ चिनअप में भी होते हैं। तो सारी प्रोसेसिंग से जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स के वजह से जानेंगे, वार्तालाप पूरी करेंगे इनसे। तो ये कैंडिडेट है जो कुछ एक्सीलेंट और गुड भी है। जीडी में क्या होता है, एक्सीलेंट और गुड का भी फायदा मिलता है, 100 नंबर ग्राउंड में 88 नंबर का भी प्रॉफिट मिलता है, और टेक्निकल क्लर्क में जो है ओनली फॉर क्वालिफाई करना होता है। तो सबसे बड़ी मांग रहती है जीडी के कैंडिडेट, इनकी सारी प्रोसेस है। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट 10 दोबारा करके आए, उनसे भी प्रोसेस जानेंगे, क्या प्रोसेस चल रहा है, ओटीपी के क्या सीन है, आधार कार्ड से ओटीपी मिलता है उनका क्या सीन है। तो जानते हैं पूरी प्रोसेस, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले आप खांसे हो, डेगाना आप ही मेहरता आप रेबड़ी आप डेगाना तो इनकी तहसील है डेगाना आपकी। तो आपने सुबह सबसे पहले कितने बजे एंट्री ली? 3:30 एंट्री ली आपने भी? 3:30 आपने 3:30 बजे एंट्री। तो एंट्री टाइम के डॉक्यूमेंट्स क्या थी? मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th मार्कशीट और एडमिट कार्ड। ये सारी प्रोसेस थी सुबह की। उसके बाद में आपने जैसे एंट्री लेने 3:30 बजे, 3:30 बजे एंट्री लेने के बाद में आपका बैच में कितने बजे नंबर आया? मतलब ट्रैक पर कितने बजे नंबर आया? 4:30-5 बजे। 4:30-5 बजे मतलब 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस लग जाता है, समझ में आ रही? आने वाले कैंडिडेट्स को ये 1 से 1.5 घंटे का। अब जैसे यहाँ से आप जैसे रेन बसेरा से जाते हो, यहीं से आप रनिंग किट में हो जाते हो या फिर आगे बाड़ी में जाके चेंज करते हो? नहीं, आगे टाइम मिलता है। आगे टाइम मिलता है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट यही गलती करते हैं, जब एंट्री लेते उसी टाइम रनिंग किट में हो जाते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आगे आपको फौजी भाई बोलेंगे, वहाँ उस प्रकार से आपको जो जूतों में दौड़ना चाहता है जूते की लेस बांध सकता है, जो रनिंग किट में आप हो सकते हैं, जूते ज्यादा खुल रहे हैं वो भी बात करेंगे। उसके बाद में आपको ट्रैक पर ले जाए, कितने का बैच बन रहा है? 100 का बैच बन रहा है। 100 में से आपके आपके बैच में कितने कैंडिडेट लिए? 41। एक ही बैच क्यों आप? एक ही बैच के 100 में से 41 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, उसमें से 11 को एक्सीलेंट ले गया है। अब आप देख लो, आप बोल रहे हो कि टाइम कम है, बहुत से कैंडिडेट जो सुबह बाहर आते हैं डिस्क्वालीफाई हो गए, बोल रहे हैं टाइम नहीं दिया जा रहा है, ये हो रहा है। तो आप बताइए क्या प्रोसेस है? टाइमिंग पूरा मिल रहा है, टाइम पूरा मिल रहा है, 11 एक्सीलेंट ले रहे। तो आप देख सकते हो कितना क्या एकदम बढ़िया तरीके से टाइम मिल रहा है। 11 कैंडिडेट एक्सीलेंट थे, बाकी के कैंडिडेट थे जो थे गुड में थे। अब उनमें से आप ये बता, हाइट में कितनों को बाहर किया गया? 5 कैंडिडेट जिनकी 1.17 हाइट नहीं है, वो जीडी से डिस्क्वालीफाई होगा 100%। ये आज की जीडी की पीएफटी पीएमटी कंप्लीट क्वालिफाई कैंडिडेट्स बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जैसे बायोमेट्रिक हुई होगी, बायोमेट्रिक आपको आरएमडीएस मिला होगा। आरएमडीएस मिलने से पहले जिगजेग होता है या बाद में होता है? जिगजेग, नो पिट और चिनअप बाद में होता है। तो बीम में भी कोई बाहर हुआ है क्या? बीम में कोई बाहर नहीं हुआ। चेस्ट में? चेस्ट में भी नहीं हुआ। तो बस हाइट के अंदर कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जैसे टीए भर्ती चल रही है तो धर्म प्रमाण पत्र मांग रहे कि नहीं अग्निवीर में, या डॉक्यूमेंट्स में अग्निवीर में भी बाहर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इनसे जानते हैं। धर्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, नहीं होगा तो भी चले टाइम दे रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, पुलिस वेरिफिकेशन। अगर यहाँ पे अग्निवीर एआरओ जोधपुर में जो भर्ती चल रही है उसकी मैं बात बताऊं कि जिस कैंडिडेट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका 2-3 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप कल या परसों आप यहाँ जाके जमा करवा दी ताकि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की पूरा कंप्लीट हो जाए। ये तो हो रहा है ना, जिस कैंडिडेट्स के पास नहीं है टाइम हो रहा है। साथ साथ फौजी भाइयों का व्यवहार ऐसा है, इनसे पूछने में यही मिल रहा है कैंडिडेट्स की कि वहाँ पे फोटोकॉपी की मशीन लगाई गई है, व्यवहार बहुत अच्छा है, सारे अच्छे से रीड किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके बाद में उनको बताया जा रहा है। तो उसके अंदर इसके बाद में जो कैंडिडेट नहीं आएंगे उधर अंदर खाने पीने की सुविधा है क्या? कुछ खिलाते पिलाते हैं आपको? खाने पीने की सुविधा तो कुछ नहीं, लेकिन आज खिलाया था, अब बोल दिया अब नहीं खिलाएंगे। काला केला वगैरह खिलाया था? केला और बिस्किट। केला और बिस्किट है। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं भाई थोड़ा सा ध्यान के, लोग शाम को लेट छोड़ते हैं कैंडिडेट्स को, तो आप कुछ खाने के साथ, अब जैसे सेव हो गई, केला खोल, फल फ्रूट आप साथ लेके जा सकते हो। जैसे रनिंग करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स में बहुत टाइम मिलता है, आप आराम से बैठे रहो, उस टाइम आप कुछ ना कुछ खा सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ट्रैक पे 100 का बेस्ट उड़ाया जा रहा है, उनमें नंगे पांव जोड़ना चाहिए या सॉक्स में दौड़ना चाहिए या जूतों में? सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम पर, क्या आपका? वो तो आप खुद पर डिपेंड करता है कि कैसे रनिंग कर रहे हैं। आपके हिसाब से नंगे पैर? देखो ये इनकी बात है, ये एक भाई ने अच्छी बात बोली, आपने अगर होम ग्राउंड पे डिफेंस पे कहीं भी प्रैक्टिस की है उस टाइम आपने 1600 मीटर का टाइमिंग दिया है, तो वो नंगे पांव दिया है, जूतों में दिया है, सॉक्स में दिया है, वो तरीका अपनाइए। अगर आप नया तरीका अपनाओगे तो आपके साथ हो सकता है गलत हो सकता है, अगर अच्छा टाइम आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, क्योंकि आपने जूतों में रनिंग किया, नंगे पांव दौड़ोगे तो आपके पैर भर जाएंगे 3 राउंड में, ऐसा ही हो रहा है। तो
इस चीज का विशेष कर ध्यान रखे, तो अपनी प्रैक्टिस है, मेहनत पर, उसी पे विश्वास कीजिए, टाइम पूरा मिल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट आज 60-60 बच्चे भी आप कैंडिडेट आज टोटल कितने बंदे दौड़े थे आपको बताओ तो, कितने बैच बने थे? 900 मतलब 100 के 900 कैंडिडेट, उनमें से कितने क्वालिफाई हुए टोटल? 357 कैंडिडेट जीडी के कैंडिडेट, पीएमटी और पीएफटी कैंडिडेट क्वालिफाई है। अब आपको मेडिकल की डेट दी है, तो मेडिकल के लिए आपको फौजी भाई यहाँ आने से पहले आपको किस बारे में क्या बताया कि इन इन बातों का ध्यान रखना, क्या बताया आपको कुछ? मतलब बाल कटिंग थोड़ा ध्यान रखना, साफ सफाई करके आना है, साफ सफाई करके आना है। और एंट्री कितनी बजे लेनी है आपको? 6:15 बजे। 6:30 बजे एंट्री। आपको कौन से डॉक्यूमेंट से मिलेंगे एंट्री? वो स्लिप दिएगा, आरएमडीएस से मिलेगी, आरएमडीएस है वो आपको दिखाना पड़ेगा सुबह गेट पे, तभी आपको एंट्री मिले। 6:30 बजे मिलिए। अभी इनको जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, आज मैं पॉइंट की बात करूं तो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं भर्ती के अंदर, उनको बता दूं कि पॉइंट आपको कान में मिल रहा है, दांत में मिल रहा है, एल्बो का मिल रहा है, इसमें हाथ बैंड का मिल रहा है, नोकनी का और वेरिकोज का पॉइंट मिल रहा है। तो अपनी शेविंग वगैरह साफ सफाई वगैरह करके आना, दांतों की भी सफाई करके आना। आज जो रिव्यू, आज का रिव्यू यही है, तब जो पीछे आपका वीडियो डाला वो भी आप देख सकते हो। भाइयों ने बहुत अच्छा मिला है बताया, ये पीएफटी पीएमटी जीडी के कैंडिडेट जो भी आने वाले कैंडिडेट है, ध्यान रखिए अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखिए, 4 राउंड कंप्लीट लगाना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। एक्सीलेंट के अंदर 20-20, 15-15 कैंडिडेट्स को ले जा रहा है, और गुड के अंदर भी इतने ही ले जा रहे हैं, 30-40 कैंडिडेट हर बैच में ले जा रहे हैं। तो आने वाले कैंडिडेट्स को अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। आप दोनों एक्सीलेंट हो भाई, दोनों कैंडिडेट एक्सीलेंट है। आप देख सो आपके सामने जो 11 कैंडिडेट एक्सीलेंट है, उनमें से 2 कैंडिडेट ही एक्सीलेंट है। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। क्या कहना चाहते हो? घबराहट नहीं करना, थोड़ा जोश बुलंद के साथ रहना, घबराहट बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा बताया भाई ने डिमोटिव, आपका होम ग्राउंड क्या टाइमिंग था? मेरा तो 5:02 था। आपका? मेरा 5:05। आपका? 5:11। और आपका? मेरा 5:30। 5:30, ये आपके सामने देख सकते हो, टाइम का कोई महत्व नहीं रखता है, अगर आपका माइंड सही डिसीजन देगा उसी टाइम पर, आप घबराओगे नहीं ना, तो आप बुलंद अपने आप हासिल कर जाओगे। दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।